जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर दसवें स्कंद का आठवां अध्याय सुना रही हूँ। श्री गुरु गर्गाचार्य सो नामकरण निर्धार, जसोमत बालक कृष्ण के शुभ लीला विस्तार। सुनी, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस दिन वासुदेव जी के भेजे हुए यदुकुल पुरोहित गर्ग जी नंद राय के ब्रज में पहुँचे। उन्हें देख नंद बड़े प्रसन्न हुए और उठकर हाथ जोड़कर पूजा की। इस तरह जब उनका आतिथ्य सत्कार नंद जी कर चुके, तब गर्ग मुनि से बोले, हे ब्राह्मण, आप बड़े ज्योति हैं। आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद, संसार में यदुकुल का प्रसिद्ध आचार्य हूँ। मैंने यदि तुम्हारे बालकों का संस्कार करा दिया तो कंस कहीं इनको देवकी का सूत मानकर मारना न चाहे। दूसरे दुष्ट बुद्धि कंस को कन्या की वाणी सुनाकर यह भी निश्चित हो गया है कि देवकी का आठवां गर्भ कन्या नहीं हो सकता। नंद बोले, आप इस काम को इसी ब्रज में गुप्त रीति से करिए, जिससे मेरे खास आदमी भी न जान सके। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर गर्गाचार्य जी ने बालकों का नामकरण संस्कार एकांत में किया। गर्ग जी बोले, हे नंद, यह रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सौहार्द को रमण यानी आनंद करावेगा, अतः इस बालक का नाम राम है। बल की अधिकता से लोग बाघ इसको बल के नाम से भी पुकारेंगे। यादवों से पृथक न होने के कारण लोग इनको संकर्षण भी कहेंगे। इस तुम्हारे द्वितीय बालक के पहले शुकल, रक्त, पीत ये तीन वर्ण हो चुके हैं, किंतु अब यह बालक कृष्ण रंग का हुआ है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। दूसरे, यह तुम्हारा बालक पहले कभी वासुदेव जी के यहाँ उत्पन्न हो चुका है, अतः इसको वासुदेव भी कहते हैं। इसके गुण कर्म के अनुसार तो कितने ही नाम हैं। यह बालक तुम्हारा सर्वदा कल्याण करता रहेगा। इस बालक में अनेक गुण हैं। यह विपत्तियों का नाश करने वाला तथा दैत्य और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला होगा। जो लोग इस तुम्हारे बालक में प्रेम करेंगे, उनको कोई भी शत्रु न दबा सकेगा। इसीलिए हे नंद, यह बालक गुणों में नारायण भगवान के समान है, अतः तुम इसका पालन पोषण करो। सुखदेव जी बोले, गर्गाचार्य जी, इस तरह नंद से कह और विदा पाकर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद कृष्ण बलदेव दोनों घुटवन के बल इधर उधर ब्रज में घूमने लगे और क्रीड़ा करने लगे। ब्रज की कीच तथा धूल में पैरों में पहने हुए पैजनियों के झुनर झुनर शब्द से ठुमक ठुमक कर चलते हुए और उन पैजनियों के शब्द से प्रसन्न होते हुए यशोदा और रोहिणी के पास बड़े चाव से आते थे। ब्रज की रज में लोटपोट होकर अपने शरीर को धूल में सान लेते थे। उस समय मैया उनको धूली घुसरित देख बड़ी प्रसन्न होती थी, प्रेम से उनको
दोनों हाथ फैलाकर आलिंगन कर उनके मुख में स्तन दे देती थी। प्रेम के कारण माताओं के स्तन से दूध टपकने लग जाता था। फिर थोड़े दिन पीछे कृष्ण बलदेव ब्रज में खड़े होकर चलने लगे। उस समय अपनी अपनी समान अवस्था वाले ग्वाल ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए सब ब्रजवासियों को परम आनंद देने लगे। गोपियां भगवान की चंचलता को देख यशोदा जी के पास आकर कहने लगी, हे नंद रानी, यह तेरा बालक कन्हैया तो बड़ी ढिढ़ाई करता है। हे यशोदे, यह कन्हैया घरों में निशंक घुसकर बिना समय पर ही बछड़ों को खोल देता है। बड़ी भारी चतुराई के ढंग से मिठाई दूध दही माखन को चुरा चुरा कर खा जाता है, और जब नहीं खाया जाता तो बचे कुचे को बंदरों को खुवा देता है। सब बालकों को अपने साथ लेकर खूब ही उधम मचाता है। साथ में बालक जब नहीं खाते हैं तो बर्तनों को धरती पर पटक कर फोड़ देता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो कहता है कि बताओ दूध माखन कहाँ रखा है, नहीं तो घर जला दूंगा। इस प्रकार धमका कर छोटे छोटे बच्चों को डरा कर और रुला कर झट भाग जाता है। ऊंचे ऊंचे छीकों पर जब हाथ नहीं पहुंचता है तो पीढ़ा आधी रख कर और उस पर चढ़कर छीकों से उतार कर खा जाता है। पीढ़ा मुड़ धरने पर भी यदि हाथ नहीं पहुंचता है तो उन बर्तनों में छेद कर देता है। छेद में से पटकते हुए रस को ओक लगा कर अपने पीता है और अपने साथ के सब बालकों को पिलाता है, और फिर उन बर्तनों को लठिया से फोड़ देता है। यदि हम धमकाते हैं तो उल्टा हमको ही डांट बताने लग जाता है। अच्छे लीपे से घरों में मल मूत्र कर देता है। हे यशोदा, अब तुम्हारे पास कैसा भला बना बैठा है, मानो यह तो बड़ा ही सीधा और भोला भाला बालक है, यह कुछ नहीं जानता है। गोपी कितनी ही आकर शिकायत करती थी, किंतु यशोदा जी प्रेम के कारण कृष्ण से कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन बलदेव आदि ग्राम वालों ने यशोदा मैया के पास आकर कहा, मैया, आज इस कन्हैया कृष्ण ने मट्टी खाई है। यह सुन मैया ने कृष्ण को धमकाते हुए हाथ पकड़ कर कहा, हे कृष्ण, तुम मिट्टी क्यों खाई है? ये सब बालक और तेरा बड़ा भाई बलदेव भी कह रहा है। तब कृष्ण बोले, मैया, मैंने मट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ कहते हैं। यदि विश्वास न हो तो तू मेरा मुख देख ले। मैया बोली, यदि तू ठीक कहता है तो मुख फाड़ कर दिखा। यह सुन बालक कृष्ण ने मुँह को फाड़ कर मैया को दिखाया। मैया मुख में स्वर्ग लोक के सहित सारे ब्रज को देख बड़ी संख्या में बढ़ गई और कहने लगी, आहा, यह क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ, या ये कोई देव माया है, अथवा इस बालक का यह जन्म सिद्ध ऐश्वर्य ही है। अंत में शंका करते करते यशोदा जी को निश्चय हो गया कि यह कृष्ण ईश्वर है।
भगवान ने माता की इस प्रकार अपने में ईश्वरत्व की बुद्धि देख मैया पर अपनी माया का ऐसा चक्र फैलाया कि जिससे उन्हें वह सब आत्मज्ञान और अपने बालक में ईश्वरत्व ज्ञान सब लुप्त हो गया। फिर पूर्ववत ऐसी भूल भुलैया में हो गई कि पुत्र के स्नेह से उसका हृदय भर उठा। पुत्र को गोद में उठाकर दुलारने और पुचकारने लग गई। वेद, उपनिषद, सांख्य योग आदि सब दर्शन शास्त्र जिनका यश गान करते हैं, यशोदा उनको अपना पुत्र मानकर लाड़ लड़ा रही है। हे राजा परीक्षित, हे मुने, नंद ने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए थे और यशोदा ने भी ऐसे कौन से अत्यंत पुण्य किए जिससे उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और साक्षात हरि भगवान ने जिससे यशोदा का स्तनपान किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अष्ट वसुओं के बीच एक रुद्र नाम के वसु थे। उन्होंने अपनी स्त्री धरा के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा से पृथ्वी पर अवतार लिया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, हम दोनों की जन्म जन्मांतर में हरि में दृढ़ भक्ति बनी रहे, बस यही हम आपसे चाहते हैं, ऐसा ही होगा। हे राजन, वही परमात्मा द्रोण वसु पृथ्वी पर नंद कोप हुए हैं और उनकी स्त्री धरा यशोदा हुई है, इसी कारण से पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। हरि भगवान में परम भक्ति हुई है। भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा के वाक्य को सत्य करने के लिए बलदेव जी के सहित ब्रज में रह कर उनको प्रीति दर्शा रहे हैं। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।